फ्रेंड्स, स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने CO2 के चैनल में। नानपारा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं, यहां पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। आमान परिवर्तन का अपडेट लेकर आए हैं नानपारा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इस वीडियो को गोयल साहब ने बनाकर भेजा है। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ट्रेनों का संचालन मैलानी से नानपारा के बीच में ना होकर मैलानी से रायभोजा के बीच में हो रहा है। नानपारा रेलवे स्टेशन के सामने देख सकते हैं ये स्टेशन बना हुआ है, और ये जो दिशा है ये आपकी मैलानी की है। अगला स्टेशन रायभोजा है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी लाइन का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। बाउंड्री तैयार हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं स्लीपर उसी हिसाब से यहाँ पर लगाए गए हैं। कई बार नक्शे के हिसाब से हमने आप लोगों को बताया भी कि क्या क्या बनाया जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो हाई लेवल के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो लो हाइट सबवे है वो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेनों का संचालन है वो मैलानी रायभोजा के बीच में हो रहा है। दो जोड़ी ट्रेनों का संचालन हो रहा है फिलहाल, और इस समय स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा है। कुछ जो यहाँ पर फालतू की चीज़ें लगी थी उनको हटाने का काम भी कर लिया गया है, और यहाँ पर ट्रैक पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अभी आगे भी ये ट्रैक्स हटाए जाएंगे, और मीटर गेज के जो नई लाइन है वो आगे बनाई जाएंगी, बिछाई जाएंगी। यहाँ पर ब्रॉड गेज का ही स्टेशन रहेगा जैसा कि नक्शा में दिखाया गया था, और गोयल साहब का भी कहना था, और पहले कई वीडियो भी दिखा चुका हूँ यहाँ के। आगे जो आप लोगों को मिट्टी का ढेर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लो हाइट सबवे बनाया जा रहा है। एक छोटी सी झलक यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और इसी वजह से ट्रेनों का संचालन रोका गया है। मैलानी रायभोजा के बीच में हो रहा है, 2 महीने के लिए ट्रेनों का संचालन बंद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, अब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं। अभी आगे का व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, काफ़ी कुछ कवर किया है गोयल साहब ने। तो आने वाले समय में स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। तस्वीर ही क्या, नक्शा ही पूरा बदल जाएगा, आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, रेलवे लगभग तैयार हो रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पर काम कर लिया गया है। समतलीकरण का काम पूरा हो गया है। बैलास्ट धीरे धीरे यहाँ पर फैलाया जाना बाकी है। आगे देखिएगा, यहाँ पर भी एक छोटे से पुल बनाने का काम चल रहा है, पुल पुलिया कह सकते हैं। मशीन भी आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी, ये देखिए। तो अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं बाबागंज रेलवे स्टेशन से, इसके अलावा नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ होता है, वहां से नंबर लेकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये काम किया जा रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।